गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी साईश कपूर। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो मुझे पता है। एंड तो आज मैं एक्चुअली करने जा रही हूँ स्लाइम ट्यूटोरियल। सो गाइस मैंने बहुत सारी स्लाइम्स बनाई हुई हैं, इसलिए मैं प्रो बन गई हूँ स्लाइम्स बनाने में। तो इसलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे आसानी से स्लाइम बना लो। बस आपको एक चीज़ करनी है, आपको अमेजोन से ऑर्डर करना है एक स्लाइम। वेट लेट मी शो यू, आपको अमेजोन पे लिखना है स्लाइम और फिर वहाँ पर बहुत सारी स्लाइम रहेंगे, आप उनमें से कोई वन ऑर्डर कर सकते हो। स्लाइम मेकिंग सेट लिखना है आपको। तो गाइस इस स्लाइम के लिए आज मैं बना रही हूँ एक स्काई स्लाइम। तो चलिए इस स्काई स्लाइम को शुरू करते हैं और इसका ट्यूटोरियल मैं आपको देखती हूँ कि कैसे बनाते हैं ये स्काई स्लाइम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हम लेंगे एक प्लास्टिक का व्हाट डू वी से, इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक का डब्बा। सो हम पहले लेंगे प्लास्टिक का डब्बा, देन फिर हम लेंगे एक स्पून टू मिक्स। मैं अपना स्पून नहीं लूँगी, मैं ये लूँगी, मुझे इससे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, मैं स्पून से ज़्यादा नहीं कर पाती तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। क्योंकि ये लाइक मेरे किचन सेट का है और हमें लाइक उसमें फिर बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो इसलिए मैं मेरे किचन सेट का यूज़ करती हूँ। मुझे किचन सेट का ज़्यादा कन्वीनियंट भी लगता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम स्पून से किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बाय करना है, आप स्पून से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इससे करने में ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। फिर आपको चाहिए होता है एक ब्लू कलर का स्लाइम ग्लू, एज आप देख सकते हैं ये चाहिए होता है आपको। और आपको चाहिए होता है बॉटल ऑफ एक्टिवेटर। यहाँ पे मेरे पास एक 3 बहुत बिग बॉटल्स ऑफ एक्टिवेटर है, मैं अभी एक ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रही है, तो इसलिए मैं एक ख़त्म करने वाली लूँगी। एंड आपको थोड़े से फ्लेवर के लिए चाहिए होता है एक वाइट ग्लू, थोड़ा सा फ्लेवर करने के लिए आप, मैं लाइक वाइट ग्लू लेती हूँ। सो या एंड आपको ग्लिटर भी चाहिए होता है, लेकिन ग्लिटर मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। मैं ग्लिटर नहीं लेती, मैं छोटे छोटे लाइक वो ग्लिटर जैसा ही होता है, लेकिन मैं वही लेती हूँ, मैं आपको दिखा दूँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट मेकिंग। तो पहले हमें चाहिए होता है बोल। यहाँ पर मैं प्लास्टिक के कंटेनर में ही बनाती हूँ ताकि मैं उसको आराम से बंद कर दूँ खेल के। तो इसलिए पहले हम डालेंगे वाइट ग्लू, लेट्स पुट सम वाइट ग्लू अराउंड इट, स्मैश इट एंड पुट इट, स्मैश इट एंड पुट इट नाइसली। ओके डन। सो ये आप देख सकते हैं हमने वाइट ग्लू अप्लाई कर दिया है। अब हम थोड़ा सा हम स्काई स्लाइम बना रहे हैं इसलिए ब्लू सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसी ग्लूज नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लो, आप कलर भी ले सकते हो, आपको इन सब आप जो कौन सा कलर लेना चाहते हो आप कौन सा कलर ले सकते हो, क्योंकि कलर आई डोंट माइंड, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। लेकिन अभी हम स्काई स्लाइम बना रहे हैं इसलिए मैं ले रही हूँ। एंड गाइज लाइक गाइज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दो। लाइक एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, आप कर सकते हो, लेकिन ये आपको बाय करना पड़ेगा बनाने के लिए। तो देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा लग रहा है। एंड गाइज मैं ये पफ़ी नहीं बना रही क्योंकि हम स्काई स्लाइम बना रहे हैं, तो इसलिए मैं ये पफ़ी नहीं बना रही हूँ। क्यों, वरना अगर आपको पफ़ी बनानी है ये अपनी स्काई स्लाइम तो आप डाल सकते हैं। एक अपने पापा का बॉडी शेवर, लाइक जो दाढ़ी शेव करने के लिए क्रीम सी नहीं होती, क्या कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन आप वो डाल सकते हो।
मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो डालूंगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में पफी स्लाइम बनानी है। तो मैं लूंगी अपना एक्टिवेटर एंड थोड़ा सा एक्टिवेटर डालूंगी। एंड गाइस, एक्टिवेटर हैंडी होना चाहिए, इवन ग्लू हैंडी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ज़्यादा एक्टिवेटर डल जाते हैं तो आपको ग्लू डालनी पड़ती है, एंड कभी कभार ज़्यादा ग्लू डल जाती है तो आपको एक्टिवेटर डालना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा एक्टिवेटर हम ऐसे पोर करेंगे। हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए ना ज़्यादा हार्ड चाहिए, हमें नॉर्मल सी सॉफ्ट सी अच्छी सी स्लाइम चाहिए। अब हम स्पून लेंगे एंड उसको मिक्स करेंगे। वाओ, इसकी कंसिस्टेंसी देखो कितनी अच्छी आ रही है। गाइस, जब तक ये पूरा सारा है जो ये बाउल है, जब तक वो रैप नहीं हो जाता तब तक आपको बनानी पड़ती है ये स्लाइम। तो लेट्स मेक। जैसे मुझे स्लाइम चाहिए थी उसकी वैसी कंसिस्टेंसी आ रही है। मुझे ना बबली चाहिए थी ना सॉफ्ट चाहिए थी, मुझे नॉर्मल चाहिए थी, एंड वो वैसी कंसिस्टेंसी उसकी आ रही है धीरे धीरे। तो मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और एक्टिवेटर चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और एक्टिवेटर मुझे चाहिए। एंड गाइस, आप एक्टिवेटर हमेशा खुला करके रखा करिए, क्योंकि एक्टिवेटर कभी भी यूज़ हो जाता है। तो और एक्टिवेटर की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी स्लाइम बन रही है। वाओ, वाओ गाइस, सो नाइस, आई लाइक इट। कितनी अच्छी स्लाइम बनी है, स्काई स्लाइम। लेकिन थोड़ा सा और एक्टिवेटर डालना होगा, क्योंकि एक्चुअली हमें हार्ड चाहिए, लाइक हार्ड भी नहीं सॉफ्ट भी नहीं, लाइक मतलब हमें थोड़ी सी हार्ड चाहिए। ज़्यादा चिपकू चिपकू हो रही है, तो मुझे चिपकू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं इसमें और एक्टिवेटर डाला है। एंड मुझे थोड़ी हार्ड ही स्लाइम चाहिए, स्काई स्लाइम है, क्योंकि सो हियर इज द स्लाइम। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत हार्ड चाहिए। तो लेट्स चेक हाउ इज इट, लेट्स टेक इट फ्रॉम द टेक इट आउट फ्रॉम द बॉक्स। वाओ गाइस, ये तो लिटरली एक स्काई स्लाइम है, ये बहुत हार्ड है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेची है। वाओ, दिस इज सो गुड गाइस। Wow, I like this slime. Guys, आप सोच रहे इतनी ज़्यादा लाइट के क्यों आ रही है, मैंने क्योंकि रिंग लाइट ली हुई है, मेरे बर्थडे गिफ्ट है इसलिए। एंड गाइज, मैंने बर्थडे गिफ्ट की वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मेरा मन नहीं था, मैं भूल ही गई थी वीडियो बनाना। मेरी पार्टी तो हुई थी, इंस्टाग्राम पे फोटोज़ भी बहुत सारी आई होंगी, लेकिन मैंने बर्थडे गिफ्ट में भूल ही गई यूट्यूब वीडियो बनाना, मुझे याद ही नहीं रहा, इतनी रात हो रही थी। तो इसलिए गाइस, ये देखिए कितनी अच्छी स्लाइम बनी है। मुझे अब बबली स्लाइम बनाने का बहुत मन कर रहा है। मैं पापा का उसको शेविंग क्रीम कहते हैं, याद आ गया, पापा की शेविंग क्रीम। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक्टिवेटेड लिख रहा है, तो मैं उसको लेती हूँ। बहुत ही अच्छी स्लाइम बनी है गाइस। मेरे जो मेरा जो ब्रदर अयान है, उसको हार्ड ही अच्छी लगती है, ये उसके लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे ना हार्ड अच्छी लगती है ना ज़्यादा सॉफ्ट अच्छी लगती है, मुझे स्ट्रेची एंड बबली स्लाइम अच्छी लगती है। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम की माया है, वो बहुत अच्छी अच्छी बबली स्लाइम्स बनाती है। मैं उसको पूछने वाली हूँ कि तू कैसे बनाती है, मेरी तो ज़्यादा बबली बनती है नहीं, साफ सी बात है। तो हाँ, मैं उसको पूछने वाली हूँ कैसे बनाते हैं। ये बहुत अच्छी स्लाइम है गाइस। सो चलिए इसको उसके बॉक्स के अंदर रख देते हैं। ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर रही मेरे हैंड्स पे, एंड ये बहुत अच्छी स्लाइम है। इसको रख देते हैं वापस इस बॉक्स के अंदर, एंड अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।